एक एनुअल मीटिंग में वॉरेन बफेट ने कहा कि अगर मुझे कोई कहे कि मेरी फैमिली को नेक्स्ट 30 सालों के लिए खाना सिर्फ मेरी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से ही मिलेगा, तो मैं अपनी फैमिली के लिए सिर्फ 3 वंडरफुल बिजनेस ही ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे पता है उनका डूबना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पिक इफ आई हैड टू बेट द नेक्स्ट 30 इयर्स ऑन द फॉर्च्यून्स ऑफ माय फैमिली दैट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन द इनकम फ्रॉम a given group of businesses, I would rather pick 3 businesses from those we own than own a diversified group of 50. और सब जानते हैं कि इन 3 wonderful businesses में से एक wonderful business Coca-Cola का है, क्योंकि हर annual meeting में Warren Coke को ही पीते रहते हैं और साथ में Coke की तारीफ भी करते रहते हैं. With a wonderful business, Coca-Cola is a great example. A lot of fortunes have been built on that. And Coca-Cola is a great example. A lot of fortunes have been built on that. लेकिन क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट ने ये अमेजिंग बिजनेस ढूंढा कैसे था और इसके पीछे उनका थिंकिंग मॉडल क्या था? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें वॉरेन बफेट के बारे में ऐसी चीजें हम देखेंगे जो आपको पहले नहीं पता थी। So let's start, my dear brothers and sisters. क्या आपको पता है कि 1938 में फोर्ब्स मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा गया था कि कोका-कोला का शेयर 1919 में $40 का था और अब वो बढ़कर $3,300 का हो चुका है, यानी 82 टाइम्स। इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ था कि ये कंपनी अच्छी तो है लेकिन इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती, इसलिए अब इसमें इन्वेस्ट करना फायदे का काम नहीं है। लेकिन वॉरेन बफेट ने इसके बावजूद 50 सालों के बाद कोक में इन्वेस्ट किया। अब कोक की इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए हमें इनकी पिछली इन्वेस्टमेंट सीस कैंडी को समझना पड़ेगा। तो सीस कैंडी एक प्राइवेटली ओन्ड चॉकलेट का बिजनेस था जो कि चार्ल्स सी, उनकी वाइफ फ्लोरेंस और उनकी माँ ने मिलकर खोला था। 1972 में वॉरेन बफेट ने इस बिजनेस को $25 मिलियन में खरीदा, जबकि सीज फैमिली इसके लिए $30 मिलियन चाहती थी। अब ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जिसने वॉरेन बफेट को बहुत ज्यादा पैसे कमा के दिए और इन्हीं पैसों को वो बाकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में लगा पाए। सीज कैंडी को जब भी खरीदा गया था तब वो $2 मिलियन अर्न करी थी, लेकिन 12 सालों के बाद यही बिजनेस हर साल $13 मिलियन कमा के दे रहा था। इस बिजनेस में इन्वेस्ट करके वॉरेन को सबसे मजेदार बात पता चली थी, और वो थी कि जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स बिकती हैं, वो हर साल सेम ही थी, यानी सिर्फ 2% से ही ग्रो कर रही थी। लेकिन सीज कैंडी की चॉकलेट का प्राइस अगर वो लोग 12-15% तक भी बढ़ा देते थे, उसके बावजूद लोग सीज कैंडी की चॉकलेट खाते थे। इससे वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि वो ब्रांड की पावर को समझ गए थे, जिन प्रिंसिपल्स को वो आज भी यूज करते हैं। उन्हें सीज की इन्वेस्टमेंट से ये पता चल गया था कि अगर लोग ब्रांड को पसंद करते हैं तो वो उसी के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। जब वॉरेन ने सीज कैंडी का बिजनेस कहीं और स्टार्ट करना चाहा तो वो नहीं चला। उन्होंने सीज कैंडी का स्टोर शिकागो में खोला, वो भी नहीं चला, लेकिन वो बिजनेस कैलिफोर्निया में बहुत अच्छा चलता था और लोग कॉस्टली खरीदने के लिए भी रेडी थे। इन शॉर्ट, इट वॉज अ लोकल ब्रांड। लेकिन जब कई सालों के बाद कोक में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर के पास आया, तो उन्होंने देख लिया था कि कोक की ब्रांड वैल्यू पूरी दुनिया में है। एक और चीज जो वॉरेन बफेट ने नोटिस की थी वो ये थे कि लोग बहुत ज्यादा चॉकलेट एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन कोक वो बहुत ज्यादा चीजों के साथ पी सकते हैं। इसके अलावा वॉरेन ने नोटिस किया कि सीज कैंडी को अगर कहीं भी एक्सपैंड करना पड़ता था तो उन्हें अलग जगह पर नई दुकान खोलनी पड़ती थी, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही वैसा था, लेकिन कोक के साथ वैसा नहीं था। अब हम में से कई लोग बोलेंगे कि वॉरेन को इतना सब कैसे पता चला, तो ये सब पता करने के लिए वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर दोनों ने कोका कोला की हर एक साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी जब से वो पब्लिक हुई थी, यानी 1919 से लेके 1988 तक, जब उन्होंने कोक में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया, यानी करीबन 70 एनुअल रिपोर्ट्स। और हम लोग तो बस एक या दो एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के समझते हैं कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस कर ली। एनीवेज, इतनी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद उन्हें बहुत सारी चीजें पता चली थी। पहली चीज ये थी कि कोका कोला का पब्लिक होने के बाद 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई थी, 1950 से 1953 तक कोरियन वॉर भी हुई थी, बीच में पता नहीं क्या क्या हुआ था, लेकिन इन सब सालों में एक बार भी ऐसा टाइम नहीं था कि कोक ने हल्के कंपैरेटिवली अगले साल कभी कम कोक बेची हो। हर साल वो ज्यादा नंबर ऑफ कोक्स ही बेचते थे। तो नेक्स्ट सवाल जो वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर के मन में था वो ये था कि कोका कोला एज ए कंपनी अभी कितनी और ग्रो हो सकती है। इसके लिए जो थिंकिंग मॉडल इन दोनों ने यूज किया वो ये था कि हर इंसान को जिंदा रहने के लिए हर रोज पानी तो पीना ही पड़ता है, और जो ह्यूमंस हैं वो नॉर्मल पानी के कंपैरेटिवली फ्लेवर्ड वाटर पीना ज्यादा पसंद करते हैं। हम में से जिन लोगों को नहीं पता, तो कोका कोला कंपनी का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं है बल्कि उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग मिनरल वाटर किनली। एनीवेज, तो वॉरेन और चार्ली मंगर ने सोचा कि एट इन्फिनिटी एक ऐसा टाइम आएगा कि लोग सिंपल वाटर के साथ साथ कोई ना कोई फ्लेवर्ड वाटर जरूर पियेंगे, और उन प्रोडक्ट्स में कोका कोला का सबसे बड़ा शेयर होगा। इन शॉर्ट, कोक एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती थी। इसके अलावा कोका कोला की स्ट्रैटेजी के ऊपर भी वॉरेन को बहुत विश्वास हो गया था, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस मॉडल था।
यानी इनका खुद का खर्चा इसमें बहुत कम आता था। अब खर्चा कम करने के लिए क्या करते हैं कि ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड सिरप बनाते हैं कोक का, और ये सिरप बेचा जाता है बॉटलर्स को, और ये बॉटलर्स ही इस सिरप से कोक बना के पूरी पैकेजिंग का खुद खर्चा उठाते हैं। बॉटल्स या कैन के ऊपर कोका कोला की स्टैंप लगा के बेचते हैं सुपरमार्केट या रिटेल स्टोर्स में। अब कोका कोला कंपनी ये डिसाइड नहीं करती कि बॉटलर्स को कितने में कोक बेचनी चाहिए, वो इसका प्राइस बॉटलर्स को डिसाइड करने देती है। कोका कोला कंपनी सिर्फ अपने सिरप का ही प्राइस डिसाइड करती है, और इसी सिरप का प्राइस ये पिछले 100 साल से बढ़ा रही है। लेकिन सब खुश हैं, जो कोक पीते हैं वो भी, बॉटलर्स भी, जो खुद प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि वो कोक कितने में बेचेंगे, और कोक कंपनी वाले खुद, जो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। आई मीन हमें इस बिजनेस मॉडल को अप्रिशिएट करना चाहिए कि लोगों तक कोक पहुंचाने के लिए कोक खुद बहुत ही कम पैसे खर्चती है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि जब वॉरेन ने कोक में इन्वेस्ट किया था उस वक्त कोक में सिर्फ 17,000 इम्प्लॉयज थे, लेकिन पूरी दुनिया के बॉटलर्स जो कोक लोगों तक पहुंचाते थे उनके इम्प्लॉयज 5,00,000 थे। और हर ऑसम बिजनेस की यही पहचान है कि वो खुद बहुत कम पैसे खर्च करते हैं। इवन कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, जब भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करती है तो वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर को हर कंप्यूटर के लिए अलग से सीडी प्रोवाइड नहीं करती, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर की एक ही कॉपी देती है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर को, और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर अपने हर कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जिसके लिए उन्हें माइक्रोसॉफ्ट को लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। और यही ग्रेट बिजनेस मॉडल्स की पहचान है। कोक ने अपने बिजनेस मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सालों के बाद बॉटलर्स को सिरप देना भी बंद कर दिया। एक्चुअली सिरप में पहले शुगर होती थी, लेकिन कोक कंपनी ने बॉटलर्स को कहा कि हम तुम्हें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ही देंगे और बाकी चीनी पानी सोडा तुम खुद डाल लेना, किस क्वांटिटी में ये सब इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो हम तुम्हें बता देंगे। इसके अलावा वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर ने यह नोटिस किया कि कोक अपनी ब्रांडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करती है, और ब्रांडिंग का मैक्सिमम बजट भी बॉटलर्स ही खर्च करते हैं। कोक कैन के ऊपर जो कोक का लेबल है वो बॉटलर्स प्रोवाइड करते हैं। जिस ट्रक में कोक मैन्युफैक्चरर से रिटेल स्टोर तक पहुंचती है वो भी बॉटलर्स ही प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर आज हमें कोई $100 बिलियन दे दे कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कोक को कम्पीट कर सके, तो कोक से हम कम्पीट कभी भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कोका कोला अपने ब्रांड के लिए जो प्राइमरी कलर्स यूज करती है वो है रेड और येलो, जो कि ह्यूमंस को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इवन मैकडोनल्ड वाले भी इसी कलर थीम को यूज करते हैं। और अगर अपने रूरल एरियाज में भी कोक के कलर्स के ढाबे देखे हैं तो आप सोचते होंगे कि यार ये अपनी दुकान में क्यों कोक के कलर से पेंट करवा लेते हैं, तो इसका रीजन ये है कि कोक के बॉटलर्स इन शॉप में जाते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि हम आपकी दुकान में फ्री में पेंट कर दें, और जब दुकान वाले हाँ बोलते हैं तो ये फ्री में पेंट भी कर देते हैं और ढाबे के नाम के साथ कोक की ब्रांडिंग भी करते हैं। ढाबे वाले भी खुश हो जाते हैं कि कोक जैसे बड़े ब्रांड का नाम हमारे ढाबे में आ गया। क्या आपको पता है कि अभी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जहां कोक नहीं मिलती, और वो है नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। लेकिन वॉरेन बफेट ये जानते हैं कि अगर कोक इन 2 कंट्रीज में लॉन्च होती है तो वो बहुत बिकेगी, वो भी बिना एडवर्टाइजमेंट के, क्योंकि कोक का ब्रांड इतना पावरफुल है कि इन देशों के लोगों ने भी इस ब्रांड को मूवीज में देखा है। इन शॉर्ट, ये सारे मेंटल मॉडल्स यूज करके चार्ली और वॉरेन समझ गए थे कि कोक एक हाई ग्रोथ बिजनेस है, और 1988 से 1990 तक उन्होंने इसमें अपने पोर्टफोलियो का 25% पैसा इन्वेस्ट कर दिया, $1.6 बिलियन। और जब 1990 में लास्ट वक्त उन्होंने कोक में इन्वेस्ट किया था, उस वक्त कोक का पीई रेशियो 25 था, और बहुत से इन्वेस्टर्स इसे कोई सस्ता प्राइस नहीं मानेंगे। और 1990 से लेके आज तक बर्कशायर हैथवे ने कोक का एक भी शेयर नहीं बेचा है। आज वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर मानते हैं कि 1972 में वो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, और अगर सीज फैमिली उन्हें अपना सीज कैंडी का बिजनेस $25 मिलियन में नहीं बेचती तो वो बिजनेस नहीं लेते, और शायद आज उन लोगों ने जितनी वेल्थ क्रिएट करी है उतनी वेल्थ कभी क्रिएट नहीं हो पाती, क्योंकि फिर वो कोक जैसी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। एक आपको फन फैक्ट बताऊं, वॉरेन बफेट से एक बार CNBC के इंटरव्यू में पूछा गया था कि कोक में इतनी ज्यादा शुगर है और आप एक दिन में 5-5 कोक पी जाते हो, जबकि साइंस तो बोलती है कि इतनी शुगर बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो इस पर वॉरेन बफेट ने कहा कि मेन गोल खुश रहना होता है, और मैं बचपन से कोक पी रहा हूं और अपने काम से बहुत खुश हूं, इसलिए आज भी मैं इतना एक्टिव हूं। लेकिन अगर मेरा ट्विन ब्रदर होता और वो इतने सालों तक ब्रोकलियां और सब्जियां ही खा रहा होता तो वो पक्का अभी तक मर गया होता। I drink probably 5 12-ounce cokes a day, and that's about 700 calories, and I've been doing it more or less all my life. I can't imagine anybody that feels better than I do. I mean, I'm happy, I enjoy life, you know, and I've always wondered if I'd had a twin and he had to eat broccoli and asparagus and Brussels sprouts and done it every day, and I'd been drinking my Coke and eating potato chips and here are some cookies that also, you know, have 100 calories per ounce. Which of us,
I think the other guy would be gone. I mean, I think. अब obviously ये joke ही था. But being on the safer side, हम इतनी ज़्यादा ये coke वगैरह ना ही पिए तो better है. Anyways, main point में आते हैं. इस पूरे वीडियो में इस केस स्टडी की लर्निंग ये है कि वन सबसे बड़ी कंपाउंडिंग नॉलेज की है. आज का सीखा हुआ थिंकिंग मॉडल 5 या 10 साल बाद काम आ सकता है. जितनी जल्दी हम चीजें सीखेंगे उतनी ज्यादा नॉलेज कंपाउंड होगी. क्या आपको पता है कि बर्कशायर हैथवे की एक एनुअल मीटिंग में 11 साल की बच्ची ने वॉरेन बफेट से पूछा था कि मुझे कोई फाइनेंशियल एडवाइस दो. तो इस पर वॉरेन बफेट ने कहा कि देखो, शुरू के ईयर्स में जितनी जल्दी नॉलेज तुम गेन करोगे वो फ्यूचर में बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि नॉलेज का कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ही ज्यादा फायदा देता है. तो अगर आप भी नॉलेज की कंपाउंडिंग को मिस नहीं करना चाहते तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में 170 से ज्यादा अमेजिंग बुक समरीज अवेलेबल है, जिन्हें हम पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. तो अगर आप यूजलेस एप्स में टाइम वेस्ट करने के बजाय अपनी नॉलेज में टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. ये एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है. सेकंड लर्निंग ये है कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट ने कोक में 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने से पहले 1919 से लेके 1988 तक कोक की सारी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी, तभी उन्हें कोक के बारे में इतना सब कुछ पता लगा. तो रीडिंग इज मस्ट. थर्ड लर्निंग थी ब्रांडिंग की, कि ब्रांड एक बहुत ही पावरफुल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है. इसलिए वॉरेन बफेट ने एप्पल जैसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है. ऑल्दो वॉरेन बफेट हमेशा बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी कंपनीज मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में नहीं आती, इसलिए मैं इनसे दूर ही रहता हूँ. आई होप दोस्तों ये केस स्टडी आपको बहुत वैल्यूएबल लगी होगी. तो अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा. आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं. जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे. जय हिंद.